के बच्चे के कपड़े हैं, ये सलाई होने के लिए आए हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ले सकूं। बेटा, ये उनके बच्चे के कपड़े हैं, तुम दिल छोटा मत करो। मैं ये दिन रात सलाई कर करके तुम्हारे लिए भी नए कपड़े ले आऊंगी। अभी ईद में चंद दिन बाकी हैं। हर तरफ खुशियों का समा था। पूरे चिड़िया नगरी जंगल में तमाम परिंदे अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। किसी ने मैचिंग कपड़े लिए और किसी ने मैचिंग जूते, और गोरी कौवी भी वहां मैचिंग ज्वेलरी के लिए फिर रही थी। मैगी कबूतरी ने भी अपने बच्चों के लिए तरह तरह के कपड़े लिए। कुछ ने मिठाइयाँ खरीदी और कुछ ने खिलौने। ईद का त्योहार आ रहा था। तमाम परिंदे खुशियां मनाने के धुन में मगन थे। हर कोई खरीदारी में मसरूफ था। वही एक गरीब चिड़िया अपने बच्चे की खुशियों के लिए उदास थी। उसके पास अपने बच्चे की खरीदारी के लिए कुछ भी ना था। बेटा, तुम्हें नहीं पता ईद क्या होती है? बेटा, आज मैं तुम्हें पूरी बात तफसील से बताती हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। ईद मुसलमानों के लिए एक तोहफा है। ये अल्लाह ताला के लिए 30 रोजे रखते हैं, और जो लोग रोजे रखते हैं, ये उनके लिए एक अल्लाह की तरफ से तोहफा है। ये इनको रोजे रखने की खुशी में इनाम दिया जाता है। फिर लोग मिलजुल कर ये सारी खुशियाँ मनाते हैं, खूब खरीदारी करते हैं। पूरे जोशो खरोश के साथ पूरा महीना रोजे रखने के बाद वो ईद भी इतने ही जोर से मनाते हैं, और गरीब पक्षियों को खाना खिलाते हैं। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूमते हैं, मुख्तलिफ चीजें खाते हैं। हर घर में रंग बिरंगे पकवान पकते हैं, और दोस्तों को दावत के लिए बुलाया जाता है। गरीबों में खाना बांटा जाता है। जिनके पास कपड़े नहीं होते या जिनके पास खाने की अशिया मैसर नहीं होती, उनको उनकी जरूरियात के मुताबिक चीजें दी जाती हैं। और हाँ बेटा, ये बहुत बड़ी नेकी है, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। बेटा, मेरी तमाम बातों को अच्छे से याद कर लो। जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम भी नेक कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेना। ईद का चांद नजर आ गया। तमाम जंगल में खुशी की कोई इंतहा न रही। तमाम परिंदे एक दूसरे को दावतें और मुबारकें देने लगे। कालू यार मुबारक हो, ईद का चांद नजर आ गया है। मुझे तो यार बहुत ही खुशी हो रही है। मैंने तो फुल तैयारी कर ली है। मैंने बहुत ही खूबसूरत कपड़े बनाए हैं। क्या तुमने अपने कपड़े तैयार कर लिए? और घर वालों की तैयारी कैसी चल रही है? खैर मुबारक। और सुनाओ मंगू, मेरी तैयारियां बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने अपने हमसाये परिंदों की भी तैयारियां मुकम्मल देख ली, और मैं तो तुम्हें दावत देने आया था। कल को तुमने और तुम्हारे पूरी फैमिली ने मेरे घर आना है। मैं तुम्हारे लिए रंग बिरंगे पकवान बनवाऊंगा, और हम ईद का दिन इकट्ठे गुजारेंगे, और अपने गरीब पक्षियों का भी जायजा लेंगे। कहीं कोई गरीब पक्षी भूखा तो नहीं? हाँ कालू, बिल्कुल ठीक सोचा है। हम सुबह सारा दिन चिड़िया नगरी में जायजा लेंगे, और गरीब पक्षियों के बच्चों को भी कपड़े बांटेंगे, ताकि इस खुशियों से कोई भी महरूम ना रहे। नहीं तो हम अपने खुदा को क्या जवाब देंगे? ठीक है मंगू भैया, अभी के लिए मैं जाता हूँ। और मैं जाते हुए बाजार से मैंने कुछ सामान भी खरीदना है, जो सुबह पकवान में काम आने वाला है। तो मिलते हैं फिर सुबह। अपना तैयार रखना, और मैगी भाभी को मेरा सलाम कहना। मंगू कबूतर और कालू कौवे ने एक दूसरे को मुबारक दी, और एक दूसरे को दावतनामे पेश किए। दोनों ने एक दूसरे की दावत को कबूल किया, और गरीब पक्षियों की जरूरतों को पूरा करने में लग गए, ताकि ईद वाले दिन कोई भी पक्षी पीछे ना रहे। उठो बच्चों, उठो, आज ईद का दिन है। उठो, खाना खाना है,
और अपनी माँ के सामने जाके फरमाइशें करो आज जी भर के। जो भी खाना है बताओ, आज तुम्हारी माँ तुम लोगों को मना नहीं करेगी। क्यों मैगी, क्या कहती हो? जी मंगू जी, आपने ठीक कहा, आज का दिन तो खुशियों का दिन है। अब मेरे बच्चे जो भी मुझसे मांगेंगे मैं वही बना कर दूंगी। मंगू जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। अरे माँ, हम आज कुछ मीठा खाएंगे। इतना खूबसूरत दिन है तो आज के दिन की शुरुआत हम मीठे से ही करेंगे। तो जल्दी से माँ हमारे लिए कुछ मीठा बना दो। मैगी, तुम जल्दी से इनको खाना दो। मैं कालू के घर से होकर आता हूँ। मेरे आते तक तुम खाना बना कर रखना। मैं बाहर भी देख लूँ कि लोग कैसी कैसी तैयारियां कर बैठे हैं। अरे रुकिए मंगू जी, इस बार आपकी चालाकी नहीं चलेगी। जरा जेब ढीली करें और हमारी ईदी निकालें। हर बार की तरह दा लगा कर इस बार भी निकलने का रादा सोच रखा है क्या? चलो बच्चों, अपने बाबा की जेबें खाली कर दो आज। आज इनको नहीं छोड़ेंगे, हर बार हमें दाव लगाकर निकल जाते हैं। अरे नहीं मैगी, मैं कब जा रहा हूँ? मैं तो बस देखने जा रहा हूँ कि लोग तैयार हुए कि नहीं। अरे वैसे मैगी बहुत चालाक हो, तुम मेरी चालाकी को समझ ही गई हो। सच पूछो तो मैं इस बार भी दाव लगाकर निकलने ही वाला था, तुमने तो मुझे पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को ईदी देता हूँ, बस चुपचाप आराम से बैठ जाओ। हर कोई अपने बच्चों को ईदी देने के लिए तैयार था, मगर मंगू कबूतर इस बार भी दाल गाकर भागने में मसरूफ था। उधर उसकी बीवी उसे पकड़ लेती है और उसके चालाकी को समझने के बाद उसकी जेबें खाली कर लेती है। दूसरी तरफ दूसरे पक्षी भी अपने अपने बच्चों को ईदी देते हैं। ए खुदा, मेरी मदद करो, आज ईद का दिन है। मैं अपने बच्चे को कपड़े कहाँ से दूं? मेरा बच्चा अभी उठने ही वाला है, वो मुझसे कपड़े मांगेगा, मुझसे तरह तरह के खाने मांगेगा, वो बच्चों को देखकर मुझसे ईदी भी मांगेगा। ऐ खुदा, मैं क्या करूं? ऊपर वाले, अब तू ही मेरा सहारा है। मेरे पास अपने बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। माँ, आज ईद है, आज आपने खाने में क्या बनाया है? और माँ, आपने वादा किया था कि आप मुझे ईद पर नए कपड़े दिलाएंगी, तो जल्दी से मुझे कपड़े और ईदी दे दो, ताकि मैं अपने दोस्त पक्षियों के साथ घूम फिर कर आऊं। आज मैं माँ बहुत कुछ खाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़े ज्यादा पैसे देना। चिड़िया अपनी परेशानी में मुब्तला रो रही थी और दिल ही दिल में अपने खुदा को याद कर रही थी कि अचानक से एक आवाज आती है। ऐ खुदाया, कौन आ गया है इस टाइम पर? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अगर मांगने वाला कोई हुआ तो मैं क्या दूंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोलती और इधर से ही माजरत कर लेती हूँ। चले जाओ, माफ कर दो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे गरीब चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं मंकू कबूतर और मेरा दोस्त कालू कौवा आए हैं, हम तुम्हारे लिए ईदी लाए हैं, दरवाजा खोलो। चिड़िया जट से दरवाजा खोलती है और मंगू कबूतर और कालू कौवे को देखकर खुश हो जाती है कि आज वो अपना दिन अच्छे से मना पाएगी। कालू भैया और मंगू भैया, ये क्या है, ये आप क्या लेकर आए हैं?
चिड़िया बहना, हम तुम्हारे लिए नए नए कपड़े और खाने का सामान लेकर आए हैं। तुम हमारी बहन हो, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए नहीं तो क्या हुआ? हम इस जंगल में तमाम गरीब पक्षियों में खाना का और कपड़े बांट कर आए हैं, और ये लो, घबराओ नहीं, जब हम हैं तो किस बात की परेशानी? ये लो अपने बच्चे को नए कपड़े दो, और ये कुछ पैसे हैं, इसको भी तुम रख सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत परेशान थी। सच में कालू भैया और मंगू भैया, मैं तुम्हारा किन अल्फाज के साथ शुक्रिया अदा करूं? आज का दिन मेरा भी बहुत अच्छा गुजरेगा, मैं भी अपने बच्चे को नए कपड़े दे पाऊंगी और अपने बच्चे को पैसे दूंगी ताकि वो अपनी मनपसंद की चीजें खा सके। कालू कौवे और मंगू कबूतर ने चिड़िया की मदद की, जिससे चिड़िया और उसके बच्चे की भी ईद बन गई। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अपनी खुशियों में दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी खुशियों में कभी भी गरीब बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए और उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए।